हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके साथ क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर का इंट्रोडक्शन और एग्जांपल नंबर 1 टू एग्जांपल नंबर 4। तो चलिए फटाफट से समझते हैं सबसे पहले कि ये रियल नंबर क्या होता है। तो बहुत बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है इंटीजर्स वगैरह में और ये रियल नंबर में। तो ये सबसे पहले हमें बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलिए हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। वैसे हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, फिर ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि नेचुरल नंबर आए। अब नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है ये तो मेरे बच्चों को पता होगा, 1, 2, 3, 4 और भाई कहाँ तक जाते हैं, कोई एंड नहीं है, इन्फिनिटी तक। फिर नेचुरल नंबर में ऐसा क्या नहीं था कि हमें उनके पापा जी बनाने पड़े, जीरो नहीं था भाई, और इसीलिए बनाए गए होल नंबर, ठीक है ना, मोटे ताजे होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 ।। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर में कमी दिखाई दी, जीरो नहीं था, तो जीरो इंक्लूड करने के लिए हमने एक और कैटेगरी बना दी होल नंबर। फिर होल नंबर में भी कमी थी, होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं थे, तो हमें एक और कैटेगरी बनानी पड़ी, दैट इज इंटीजर नंबर। और यहाँ पर बच्चों को 11th में भी कंफ्यूजन होती है, इंटीजर में वो डेसिमल नंबर को काउंट करते हैं, रॉन्ग। इंटीजर में सिर्फ और सिर्फ क्या चीज इंक्लूड हुई, नेगेटिव नंबर्स, यानी जीरो आ गया, 1 आ गया तो -1 भी आ गया, 2 आ गया -2 भी आ गया, 3 -3 भी आ गया। बट फिर एक प्रॉब्लम, इंटीजर में फिर से एक कमी रह गई, क्या इसमें डेसिमल नंबर्स नहीं है मेरे बच्चों, डेसिमल नंबर्स नहीं आते इंटीजर्स में, तभी तो आपको रैशनल नंबर की कैटेगरी बनानी पड़ी। नाउ रैशनल नंबर्स क्या होते हैं ये भी आप लोगों ने पढ़ा है 9th क्लास में, दोज नंबर्स विच आर यू नो डिपिक्टेड इन पी बाई क्यू फॉर्म, और जहाँ पर क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो इंटीजर के पापा जी आ गए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में क्या हुआ, जीरो भी आ गया, नेगेटिव नंबर्स भी आ गए, पॉजिटिव नंबर्स भी आ गए, और बचे हुए जो फ्रैक्शनल नंबर्स थे वो भी आ गए, राइट। तो नेचुरल नंबर से बड़ी कैटेगरी कौन सी है, होल नंबर। होल नंबर से बड़ी कैटेगरी कौन सी है, इंटीजर। इंटीजर से बड़ी कैटेगरी कौन सी है, रैशनल नंबर, राइट। तो रैशनल नंबर सबसे बड़ी कैटेगरीज है। अगर मैं इनकी बात करूं तो रैशनल नंबर से छोटा कौन है, सॉरी रैशनल नंबर आपका बड़ा है, तो रैशनल नंबर से छोटा कौन है आपके पास, इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर को जनरली जेड से डिनोट करा जाता है। इंटीजर से छोटा कौन है, होल नंबर्स, और होल नंबर से छोटे कौन है, नेचुरल नंबर्स, राइट। तो ये हमें नंबर वाइज पता होना चाहिए, यानी आप ये कह सकते हो कि एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर, बट एवरी नेचुरल नंबर इज डेफिनेटली होल नंबर, ठीक है ना, तो रिवर्स पॉसिबल है आपके पास। चलिए अब एक और प्रॉब्लम आई, आपको याद होगा कि आपने एक और चैप्टर पढ़ा इरेशनल नंबर, जनरली आपका फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम को लेकर ही रहा है, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर आप लोगों ने पढ़े, आई थिंक सो 8th क्लास में शायद आपने रैशनल नंबर पढ़े, इरेशनल नंबर आपने 9th क्लास में पढ़े, सॉरी। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, जो नंबर रैशनल नंबर नहीं होते, यानी यहाँ पर वर्सेस आ गया है ना, रैशनल वर्सेस इरेशनल, दोज नंबर्स विच आर नॉट रैशनल आर नोन एज इरेशनल, फॉर एग्जाम्पल √2, √3, या कोई भी ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो ये रुक रहा है ना ये रिपीट हो रहा है, दैट इज व्हाट इरेशनल नंबर। तो बिल्कुल अपोजिट है रैशनल के, दैट इज इरेशनल नंबर। तो अभी तक तो कहानी जो थी वो बड़ी सही चल रही थी, नेचुरल नंबर से बड़े हैं होल नंबर, होल नंबर से बड़े हैं इंटीजर, इंटीजर के बड़े हैं रैशनल नंबर, पर रैशनल से बिल्कुल अपोजिट आ गया इरेशनल नंबर, मतलब वो नंबर जो रैशनल नहीं होते। अब हमें इन दोनों के पापा जी चाहिए जो इन दोनों को कंट्रोल कर सके, तब आपके पास आई कैटेगरी रियल नंबर की। तो रियल नंबर वो नंबर्स हैं जिसमें सभी तरीके के नंबर्स काउंट करे जाते हैं, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, फ्रैक्शन भी, जीरो भी, रूट वाले भी, यानी इरेशनल नंबर्स भी। तो इससे बड़ा नंबर आपके पास कोई नहीं होता, यानी सबसे बड़े पापा जी आप पढ़ रहे हो रियल नंबर्स, इसके बाद कोई नंबर नहीं है। क्या सच में कोई नंबर नहीं है, है, लेकिन वो रियल नंबर का अपोजिट है कॉम्प्लेक्स नंबर। बट रियल नंबर की कहानी खत्म हो जाती है ना, नंबरों में सबसे बड़ा नंबर रियल नंबर, इससे बड़ी कैटेगरी और कुछ नहीं, क्योंकि इसमें सभी टाइप के नंबर आ गए। 11th क्लास में अगर आप मैथ्स लेते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक टॉपिक आप पढ़ेंगे, बट वो ऑल टुगेदर इसका अपोजिट है। तो वहां पर आपके पास नंबर सिस्टम की जो कैटेगरी है वो खत्म हो जाती है। फिलहाल हमें कहां तक सीखना है, रियल नंबर तक। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि रियल नंबर से बड़ा कोई नंबर नहीं है, रियल नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव सब आ जाता है, क्लियर ये कहानी। चलिए अब हम इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करते हैं। इस चैप्टर में आपको सबसे पहली एक्सरसाइज में जो टॉपिक डिस्कस करा गया है वो है यूक्लिड
डिविजन अलॉगरिथम, डिविजन अलॉगरिथम, या कभी कभी इसे यूक्लिड डिविजन लेमा भी बोला जाता है, तो दोनों वर्ड आप याद रखिए। अब डियर ये डिविजन जो अलॉगरिथम है ये कोई नई नहीं है, आप इसे ऑलरेडी जानते हैं। सबसे पहले इसे लिख देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर कहता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, एंड आर की जो वैल्यू है वो जीरो के इक्वल और जीरो से बड़ी और बी से छोटी। अब भाई हमें तो कुछ समझ नहीं आया, मैम ये क्या लिख दिया आपने, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये देखिए आप लोग ऑलरेडी डिविजन अलॉगरिथम को जानते हो। मैंने टू को डिवाइड, सेवन को डिवाइड करा टू से, थ्री पे चला गया और ये वन रिमाइंडर बच गया। अब अगर इनके नाम याद करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। ये क्या है बच्चों आपके पास, डिविडेंड, सॉरी क्वोशेंट, डिविडेंड अंदर वाला है आपके पास, दैट इज क्वोशेंट। ये क्या है आपके पास, डिविडेंड, और ये क्या है आपके पास, रिमाइंडर, राइट। अब आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो डिविडेंड होता है दैट इज नथिंग बट डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, या वेरिफिकेशन में भी यूज करते थे अगर आपको याद हो। हमेशा डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर की इसमें कोई डाउट है ही नहीं। यानी हमारे पास इसी चीज को यहां लिखा हुआ है, ये जो ए है इसको इन्होंने डिविडेंड लिया, बी इज डिवाइजर, एंड क्यू के लिए क्वोशेंट का इस्तेमाल करा और आर रिमाइंडर। अब आप देखिए सेवन की जगह क्या आ गया, ए बी क्यू प्लस आर, एंड हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए लिखा हुआ है रिमाइंडर इज स्मॉलर देन बी एंड इक्वल टू जीरो। डिविजन अलॉगरिथम हम पहले से जानते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नई चीज है, बट इसका यूसेज नया समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये है आपके पास डिविजन अलॉगरिथम, इसमें क्या कहता है, जो डिविडेंड होता है, यहाँ पर ये क्या है आपके पास, डिविडेंड, एंड बी क्या है, डिवाइजर इन टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, राइट। तो ये थ्योरम हम पहले से ही अच्छे तरीके से जानते हैं। अब देखते हैं कि इसका यूज क्या है और किस तरीके के क्वेश्चंस में इसको इस्तेमाल करा जाता है, तो एग्जांपल डिस्कस करते हैं बच्चों इसका। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, पहले हमने आपको रियल नंबर समझाया और फिर बताया कि क्या टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, और कई बार आपके पास यूक्लिड डिविजन लेमा लिखने को भी आ जाती है। अब हम आपके साथ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो वो फुली आपको बड़े आराम से समझ में आएगा, और अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल हो, अगर आपको ये बेनिफिशियल लगे तो प्लीज एक शेयर जरूर करिए, बिकॉज आप लोगों का एक शेयर हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। शायद आपको उतना टाइम शेयर करने में ना लगे जितना बड़ा सपोर्ट वो हमारे लिए होगा। चलिए देखिए एग्जांपल नंबर वन में आपको क्या कहता है बच्चों, यूज यूक्लिड अलॉगरिथम टू फाइंड एचसीएफ। यानी आप लोगों को यहाँ पर एक नई चीज सिखाई जा रही है कि कैसे डिविजन अलॉगरिथम की मदद से आप दो नंबर्स के बीच में, खासतौर पर जो बड़े नंबर्स होते हैं उनके बीच में एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो कई बच्चे जब हम ये मेथड सिखा रहे होते हैं हमसे सवाल पूछते हैं कि मैम इससे आसान टॉपिक हमने पहले भी कर रखा है एचसीएफ और एलसीएम, आप वो क्यों नहीं सिखा रहे। बिल्कुल सही बात है बच्चों, आपको सेकेंड एक्सरसाइज में वो रिवाइज कराया जाएगा। सेकेंड एक्सरसाइज में वही पुराना वाला एचसीएफ का मेथड और पुराना वाला एलसीएम का मेथड है, बट यहाँ पर आपको एक ऑल्टरनेटिव मेथड सिखाया जा रहा है, और इस ऑल्टरनेटिव मेथड को क्यों सिखाया जा रहा है ये समझना जरूरी है। जब बड़े बड़े नंबर्स आएंगे, जैसे कि आप देखो यहाँ 12,000 आ गया, यहाँ 4,000 आ गया, तो वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला तरीका होता है बच्चों वो थोड़ा लेंदी हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो वहां पर ये मेथड कंपैरेटिवली आसान रहता है। बाकी क्या आसान है क्या मुश्किल है ये हर किसी पर अलग अलग अप्लाई होता है। तो आपके एग्जाम में अगर स्पेशली लिखा है यूक्लिड अलॉगरिथम से आपने निकालना है तो आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सीखते हैं यूक्लिड डिविजन लेमा से किस तरीके से आप इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो डियर आपने क्या करना है, जो भी इसमें से बड़ा नंबर है उसको सबसे पहले ले लेना है डिविडेंड, और ये 4052 हमारा बन गया डिवाइजर, राइट। इसके बाद अब आपने ये देखना है कि किससे जा सकता है, तो ऑब्वियसली 3 पर चला जाएगा ये हमारे पास, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आ रहा है 12,156। नाउ रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास, 420। ये जो रिमाइंडर है ना बच्चों ये अब बन जाएगा आपके पास डिवाइजर, और जो पिछला डिवाइजर था वो बन जाता है डिविडेंड, ठीक है। अब हमें 420 देखना है किस पे जा सकता है, तो किस पे जा सकता है बच्चों, 420 और यहाँ पे 4000 चाहिए, 9 पे जा सकता है मैक्सिमम, तो 420 into 9 ये हमारा आ गया 3780। नाउ रिमाइंडर कितना बच जाएगा हमारे पास, 272।
अब ये जो रिमाइंडर है ये डिवाइजर बन गया, और जो आपके पास यहाँ पर डिविडेंड सॉरी जो आपका रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन गया, और जो डिवाइजर था पहले वो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, डिविडेंड। अब 272 को आपने 420 को 272 से डिवाइड करना है तो 1 पे ही जाएगा बच्चों 270। फिर से आपके पास रिमाइंडर बच जाएगा, कितना रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 140। सेम रिमाइंडर को फिर से बना दो डिवाइजर, और जो प्रीवियस डिवाइजर था उसको बना दो डिविडेंड। अब क्या करें, सेम 1 पे जाएगा 148, रिमाइंडर कितना बचा 120। सेम ये बन गया डिवाइजर और आपका 148 क्या बन गया, डिविडेंड बन गया। मैम ये तो बड़ा लेंथी है, हाँ डियर बट फिर भी इजी है कंपैरेटिवली, राइट। फिर 1 पे चला जाएगा, ज्यादा मुश्किल डिवीजन तो नहीं है ना, बचेगा रिमाइंडर हमारे पास 24। बट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है बच्चों वो ज्यादा बड़े बड़े नहीं है। चलिए अब 24 अंदर चला गया और 124 क्या बन गया हमारा, डिविडेंड। अभी किस पे जाएगा आपके पास, 5 पे चला जाएगा 120। कितना रिमाइंडर बचा आपके पास 4। नाउ ये आपके पास डिवाइजर बन गया 24। अब ये किस पे जाएगा आपका, 6 पर। रिमाइंडर कितना बचा 0। यहां पर हमारा काम आकर खत्म हो गया, राइट। तो ये जहां पर फुल्ली डिवाइड हो गया बच्चों, ये जो 4 है ये आपका निकल कर आ गया इन दोनों नंबर्स के बीच में एचसीएफ। इतनी मेहनत करा दी छोटा सा एचसीएफ निकालने के लिए, कोई बात नहीं बच्चों, डिवीजन कौन सी मुश्किल है ना। चलिए अब इसे डिवीजन लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना भी जरूरी है। कई टीचर तो ये मेथड एक्सेप्ट कर लेती हैं, बट कई टीचर कहती हैं नहीं, जब आपको यूक्लिड लेमा लिखने को कहा है तो आप लिखिए। तो ठीक है बच्चों लिख देते हैं, डिवीजन लेमा क्या कहती है, डिविडेंड दैट इज डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, जितने भी स्टेप आपने लिए सब करिए। ये आ गया नेक्स्ट, डिविडेंड था आपके पास 4052, डिवाइजर कितना है 420, इनटू क्वोशंट कितना था 9, रिमाइंडर कितना था 272। सेम अगला आपके पास डिविडेंड 420, डिवाइजर कितना है 272, क्वोशंट कितना है 1, रिमाइंडर कितना है 148। सेम इस तरीके से हमारा कॉन्टिन्यूटी में चलेगा, 272 हमारा डिविडेंड है, 148 डिवाइजर है, 1 क्वोशंट है, 124 रिमाइंडर है। सेम 148 आपका डिविडेंड है, 124 इंटू 1 प्लस 24, फाइनली 124 इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस 4 एंड देन फाइनली 24 इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0 डिग्री। जहां हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, जो भी हमारा डिवाइजर था वही हमारा क्या हो जाता है बच्चों, एचसीएफ। तो ये हमने जो लिखा है ये क्या फॉर्म है आपके पास, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो डिवीजन अलॉगरिथम है उस तरीके से हमने इसको प्रेजेंट करके दिखाया है। अब अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, आप एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन बड़े आराम से अटेम्प्ट करके रख सकते हैं हमारी वीडियो आने से पहले। और नहीं समझ में आया मैम थोड़े से और एग्जांपल चाहिए तो वेट कीजिएगा, हम फटाफट से आपके लिए 1.1 एक्सरसाइज भी लाएंगे, फिर आप क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिएगा और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। चलिए अब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में एक्चुअली क्या है, ट्रुथ स्टेटमेंट्स हैं, बस हमें उन्हें डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से प्रूव करना है। एग्जांपल नंबर 2 में आपको कहता है शो दैट, देखिए हमने कहा ना पहले से ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि शो का मतलब पक्का है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है, सिर्फ आपको शो करके दिखाना है। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, सॉरी एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर, नॉट ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2q, इन द फॉर्म ऑफ 2q एंड ऑड इंटीजर्स जो हैं इन द फॉर्म ऑफ 2q+1। बाकी आप पूरा क्वेश्चन अपनी बुक में से देख सकते हैं। देखिए हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि क्यू यहाँ कुछ भी रहा हो, जब एक नंबर 2 से मल्टीप्लाई होता है तो वो इवन ही होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 7 है क्यू, जब वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो इवन बन गया। इवन 11 है, जब आप उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन बन गया। इवन 3 है, आपने उसे 2 से मल्टीप्लाई करा तो वो इवन बन गया। तो यहाँ पर इसी की बात कर रहा है कि आप प्रूव करो कि 2q इवन नंबर होता है, दैट फॉर श्योर। क्यू कुछ भी हो, एनी नंबर, व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय 2 तो उसका रिजल्टेंट इवन नंबर ही होगा। और आप किसी भी इवन नंबर में अगर 1 ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, देखिए ऑड नंबर बन जाएगा। तो हमारे पास जो ये स्टेटमेंट है ये ट्रुथ है, ऑब्वियस सी बात है, बस हमें इन्हें यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से प्रूव करके दिखाना है। तो कैसे करके दिखाएंगे वो हम आपको बता देते हैं बच्चों इसके अंदर।
राइट। तो चलिए डिवीजन, पहले तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, देयर रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन डिवाइजर। ठीक है, अब यहां पर देखो क्यू के आगे क्या नंबर नजर आ रहा है, हिंट के तौर पे बता रही हूं टू, तो इसका मतलब बी को आपने रिप्लेस कर देना है यहां पर टू, ये आ गया टू क्यू प्लस आर। अब देखिए आर भी हमें पता लग जाएगा, अब आर की वैल्यू जीरो और जीरो से बड़ी होती है और बी से छोटी होती है। अगर मैं इससे अंदाजा लगाऊं तो मेरे पास आर की वैल्यू आ गई जीरो हो सकती है और वन हो सकती है, दैट्स इट। बस इसी का इस्तेमाल हम लोग यहाँ करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हमने क्या करा, क्यू के आगे देखा टू है तो बी को क्या पुट कर दिया, तो पुट कर दिया। अब यहाँ पर पूरी इक्वेशन में बी को टू पुट करा, मुझे रिमाइंडर का भी आइडिया मिल गया कि रिमाइंडर कैन बी जीरो और कैन बी वन। अब मैं रिमाइंडर को क्या पुट करूंगी, एक बार जीरो पुट करूं, ठीक है। तो मैंने रिमाइंडर को रखा जीरो इन इक्वेशन वन, इन इक्वेशन वन। तो ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, टू क्यू प्लस जीरो, यानी यही छोड़ सकते हैं। अब आपने एक स्टेटमेंट लिखी, क्यू इज अ मल्टीपल ऑफ टू, देयरफोर टू क्यू इज इवन नंबर, यस और नो। अगर क्यू कुछ भी रहा हो, क्योंकि वो टू से मल्टीप्लाई हो गया, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास 100% इवन नंबर बनेगा ही बनेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं, राइट। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आर की वैल्यू, अब नेक्स्ट क्या रखेंगे बच्चों, वन। तो चलिए फटाफट से वन रख देते हैं, तो यहां पर ये बन गया ए इक्वल टू टू क्यू प्लस वन, ठीक है। अब देखिए डियर, अभी हमने आपको समझाया था किसी भी इवन नंबर में अगर आप वन प्लस कर देंगे, थ्री प्लस कर देंगे, फाइव प्लस कर देंगे, वो डेफिनेटली ऑड बन जाता है। तो अभी हमने ऊपर प्रूफ करा कि 2q इवन पार्ट है, अगर ये इवन पार्ट है और इसमें मैं 1 ऐड करूंगी तो क्या बन जाएगा ये ऑड। तो आपने थ्योरी लिखनी है एज 2q इज इवन प्रूव डबल आफ्टर एडिंग 1, आफ्टर एडिंग 1 इट बिकम ऑड नंबर, बस इतनी सी कहानी आपने लिखनी है और आपका एग्जाम्पल नंबर टू फिनिश हो गया, क्लियर। तो ये ट्रुथ स्टेटमेंट ही थी, बस हमें अपने बात को प्रूव करने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स लिखकर दिखानी। तो आई होप एग्जाम्पल नंबर टू इज क्लियर। चलिए एग्जाम्पल नंबर थ्री देखते हैं, चलिए डियर एग्जाम्पल नंबर थ्री देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर थ्री में क्या कहता है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1, 4q प्लस 3। देखो ये भी ट्रुथ है, कोई भी नंबर लो 4 का मल्टीपल, फॉर एग्जांपल 4 के टेबल में से ले लो 12, अगर आप उसमें 1 ऐड करोगे तो 13 बनेगा और अगर आप उसमें 3 ऐड करोगे तो 15 बनेगा, बोथ आर ऑड नंबर्स। कोई भी और ले लो, 4 के टेबल वाला ले लो, 4q का मतलब क्या होता है 4 का मल्टीपल, फॉर एग्जांपल आपने 24 ले लिया, 24 में 1 ऐड करोगे तब भी ऑड बन गया और 24 में 3 ऐड करोगे तब भी ऑड बन गया। तो बस भाई जो हमें बात पता है वही प्रूव करनी है कि कभी भी कोई नंबर जो 4 का मल्टीपल होता है, बेसिकली जो 4 का मल्टीपल है वो इवन नंबर है ना, 2 का मल्टीपल 4 का मल्टीपल इवन नंबर है। इवन नंबर्स में कभी भी याद रखो अगर आप ऑड नंबर ऐड करोगे तो रिजल्ट ऑड हो जाता है, यानी ऐसे कहते हैं ना बुरी चीज ऐड करोगे तो बुरा बन जाता है, तो बिल्कुल वही बात है, ये बेचारा था इवन लेकिन इसमें जब आपने ऐड कर दिया ऑड तो फाइनल रिजल्ट ऑड ही आएगा, राइट। तो चलिए डिविजन लेमा लिख देते हैं, यूक्लिड डिविजन लेमा क्या कहती है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर की वैल्यू जीरो हो सकती है और जीरो से बड़ी बट बी से बड़ी, बी से छोटी होगी। नाउ अब आपने क्या करना है, क्यू के आगे क्या दिखा, फोर, तो ठीक है यहाँ पे पुट कर दो फोर, बी हमारा डिवाइजर यहाँ फोर है। अब यहाँ पर ये तो पक्का ही हमारे पास ये हो गया फोर, अब मुझे इससे अंदाजा हो गया कि जो आर की वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर नहीं, फोर से लेस देन ही होनी चाहिए, रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर के इक्वल नहीं हो सकता, तो जीरो, वन, टू, थ्री, राइट। चलिए अब हम सबसे पहले जो रिमाइंडर में हमें बताया गया जीरो, तो इक्वेशन वन में हम सबसे पहले क्या रखेंगे, रिमाइंडर जीरो, तो पुट आर इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन वन, राइट। तो ए इज इक्वल टू फोर क्यू प्लस जीरो, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो क्या आप इसे टू इंटू टू क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल, हाँ जी बच्चों। अब देखो यहां पर सेम यही चीज, ये देखो ये जो भी नंबर हो है ना, ये जो भी नंबर हो जब वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे कुछ भी आ रहा हो, 11 आ रहा हो, 12 आ रहा हो, 13 आ रहा हो, वैसे तो नहीं आएगा, इवन ही आएगा, पर जब वो 2 से मल्टीप्लाई होगा बच्चों तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा, इवन नंबर। तो हम लिखेंगे इसके पीछे रीजन एज 2q
इज मल्टीपल ऑफ टू, है ना. अगर हम 2q को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर 4q इज डेफिनेटली इवन नंबर. इसमें कोई दो राय नहीं कि ये इवन नंबर है, ठीक है. इतना लिखकर हमने छोड़ दिया. देन हमने ये रिमाइंडर पुट कर दिया. अब हम रिमाइंडर पुट करेंगे 1. नाउ पुट r इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1. चलिए अब ये कितना आ गया हमारे पास, a इज इक्वल टू 4q प्लस 1. अब हम क्या लिखेंगे इसके रीजन. अभी अभी देखो, फर्स्ट में हमने प्रूव करा है कि 4q इवन है ना, कर दिया, क्योंकि अगर 2q को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन ही आएगा. अब जब हम एक इवन पार्ट के अंदर, ये इवन है ना, जब हम 1 ऐड करते हैं, 3 ऐड करते हैं, अभी हमने आपको बताया हमेशा क्या बन जाता है वो ऑड. तो लिखेंगे एज 4q इवन प्रूव्ड अबव आफ्टर एडिंग 1 इट बिकम्स ऑड नंबर. तो हमें यही प्रूव करना था कि 4q प्लस 1 ऑड होता है, तो ये काम हमने कर दिया. अभी 4q प्लस 3 बचा है, चलिए उसके बारे में भी देखते हैं. अब रिमाइंडर देखो बच्चों, हमने 0 पुट कर लिया, 1 पुट कर लिया, अब रिमाइंडर क्या पुट करना है हमें, 2. तो अब हम पुट करेंगे r इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1. क्या बनेगा ये, इसमें पुट करना है ना, ये बन गया a इज इक्वल टू 4q प्लस 2. सेम देखिएगा, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2q प्लस 1 बचेगा. अब ये जो भी पार्ट हो, इसकी वैल्यू जो मर्जी आ रही हो, लेकिन जब वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो जो रिजल्टेंट आंसर होगा वो क्या होगा, इवन नंबर होगा. तो हम क्या लिखेंगे, एज 2q प्लस 1 इज मल्टीपल ऑफ 2, देयरफॉर 4q प्लस 2 इज इवन नंबर. 4q प्लस 2 इज इवन नंबर. आई होप इसमें कोई डाउट नहीं हो मेरे बच्चों को. 4q प्लस 2 क्या करना है, हमने 2 कॉमन लिया. कोई भी नंबर हो बच्चों, अगर आपके पास 2 बाहर है उसमें, तो वो नंबर 2 से मल्टीप्लाई होकर इवन ही बनेगा, राइट. हमने रिमाइंडर क्या क्या निकाले थे, 0, 1, 2. 0 पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, बचा कौन सा, 3. चलो अब पुट कर देते हैं 3, r इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1. a इज इक्वल टू 4q प्लस 3. अब ध्यान से सुनिएगा, इसको आपने ऊपर वाले से देखिए, जैसे हमने सेकेंड वाला, ये 4 है ना आपके पास, मैंने जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट से प्रूव करा, सिमिलरली जो फोर्थ वाला है वो मैं थर्ड की हेल्प से प्रूव करूँ. तो पहले मैं इसको लिख दूंगी 4q और 3 को लिख दिया 2 प्लस 1, ठीक है. अब हम ये प्रूव कर चुके हैं कि इवन है. अब आप इवन में 1 ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या होगा, ऑड ही होगा. तो हम क्या लिखेंगे, एज 4q प्लस 2 इवन प्रूव्ड अबव आफ्टर एडिंग 1 इट बिकम्स ऑड नंबर, राइट. इसका मतलब जो 4q प्लस 3 है, दैट फॉर श्योर आपके पास ऑड नंबर है, क्योंकि हमने 4q प्लस 2 का डेरिवेशन दिखाया, इट्स 4q प्लस 2 प्लस 1. इवन में हमने 1 ऐड करा तो क्या बन गया, ऑड नंबर. आई होप इट्स क्लियर. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. चलिए डियर, अब हम देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल है इसका. अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज, ओके. शी वॉन्ट्स टू स्टेक देम इन सच अ वे दैट दे टेक लीस्ट एरिया. अब वो चाहती है कि ये टोटल जो भी बर्फी उसके पास अवेलेबल है कम से कम एरिया के. जब आपको लीस्ट की बात कर दी गई तो आप याद रखिएगा, आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है. आपको याद होगा अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात होती है तो इसमें लीस्ट नंबर काउंट होते हैं, और लोएस्ट कॉमन फैक्टर की बात होती है तो इसमें आपके पास हाईएस्ट पावर लेते हैं. तो बस यही एक पहचान है एचसीएफ और एलसीएम जो आप आराम से कर सकते हैं. तो इसमें एक चीज बोली कि एक तो सेम नंबर ऑफ बर्फी वो चाहती है ईच स्टेक में, हर स्टेक में सेम नंबर ऑफ बर्फी होनी चाहिए, और कम से कम एरिया जो है ऑक्यूपाइड. तो आपसे पूछे व्हाट इज द नंबर ऑफ यू नो बर्फी ही कैन प्लेस सो दैट ईच स्टेक कैरी इक्वल नंबर ऑफ बर्फी. तो क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में एचसीएफ निकालना पड़ेगा. और एचसीएफ निकालने के लिए हम कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे बच्चों, यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा ही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो 130 त्रिज्या पे चला जाएगा ये, 390 रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास, 30. अब 130 को हमने अंदर ले लिया, 4 पे चला जाएगा ये आपके पास 120, रिमाइंडर कितना बचा 10. देन जो आपके पास यहाँ डिवाइजर था वो डिविडेंड बन गया, अब ये 3 पर पूरा चला गया. इसका मतलब आपके पास एचसीएफ कितना हो गया बच्चों, 10. यानी वो हर स्टेक में कितनी बर्फी अगर लगाए, 10 बर्फी अगर लगाए, तो उसकी जो ये टोटल बर्फीज हैं ये सारी की सारी
जो है इक्वल नंबर ऑफ शेक्स में डिवाइड हो जाएगी और कम से कम एरिया जो है वो ऑक्यूपाई होगा। और एक बात जरूर याद रखना, ये डिवीजन करने के साथ साथ आप वो प्रॉपर तरीके से जो एनसीईआरटी में मेंशन है डिवीजन लेमा जरूर मेंशन करो। डिवीजन लेमा क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन बी। तो यहाँ पर डिविडेंड कितना था 420, 130 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा था 130 किसके इक्वल है 30 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर 10। सिमिलरली ये जो डिविडेंड है 30 ये किसके इक्वल है 10 इंटू 3 प्लस 0। और जहां पर रिमाइंडर 0 आता है वो डिवाइजर जो है वही आपका क्या हो जाता है बच्चों, एचसीएल। तो आई होप कम से कम समय में आधे घंटे की क्लास आपको दी गई और आपको पूरा इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल पार्ट खत्म कर दिया। अब आप चाहें तो एक्सरसाइज ट्राई कर सकती हैं, जैसा कि जनरली आपको करना भी चाहिए। आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो हम एक्सरसाइज भी फटाफट लेकर आ रहे हैं बच्चों, आपकी वो जो प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस होंगे वो आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो प्लीज थोड़ा सा वक्त निकालिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए या शेयर कीजिए। जिस भी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग यूर क्लासेस।